ओ आराम रुक जा, के आग लगी है तुझे? मैं के ठक ठक लगा रखी है, रुकना कि नहीं ठोक दूं आगे बाहर तुझे। तू तो गया, तेरे को ना छोड़ूंगा अभी, ये दिमाग खराब कर रहा है। कौन है तू? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? खोला किसने तुझे? मुझे किसने खोला और मैं यहाँ कैसे आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बात मैं तुमसे करने आया हूँ वो इम्पोर्टेंट है। प्लीज मेरी बात सुन। तू क्या कलेक्टर लग रहा है जो तेरी बात सुनूं? देखो, अगर मुझे भागना होता तो मैं भाग सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो कोई इम्पोर्टेंट बात होगी ना। देखो प्लीज शांति से मेरी बात सुन। चल बोल, क्या बोलना है? जल्दी जल्दी बोलना, मेरी होने वाली लुगाई वेट कर रही है शादी के लिए मेरी, जल्दी बोल। देखो संग्राम, ये जो शादी तुम कर रहे हो ये मत करो प्लीज, इससे दिशा की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और तुम इस तरह किसी से जबरदस्ती शादी करके उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। भाई बात सुन, इधर पहले आराम से बैठ। पहले ये बता, दारू की बोतल ना चढ़ा रखी तूने? तू मुझे शादी से मना कर रहा है, क्या करेगा तू? भाई बोल, हीरो बन के मेरे आदमियों के साथ लड़ेगा? उस दिन चलती गाड़ी से गोली चलाई थी मैंने, इसलिए बच गया तू, निशाना चुक गया मेरा। अब की बार ऐसा बोला ना तो 2 इंच दूर से गोली मारूंगा, यहां से खाली करके रख दूंगा मैं। भैया कि दीदी इतनी देर हो गई, संग्राम जी अभी तक नहीं आए। अरे बड़े लोग हैं, कोई फोन आ गया होगा, बात कर रहा होगा, इसमें चिंता की क्या बात है, आ जाएगा। जब तक ये शादी नहीं हो जाती तभी तक मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ। शादी के बाद तो मेरी सासों पे भी पाबंदी लगा देगा संग्राम, जिस तरह उसने मुझे धमकाया है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। मैं तुम्हें खिलौना बना के पूरी जिंदगी यूं करे दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, शादी के बाद ना सारा गुस्सा तुझ पे उतरेगा। नहीं मैं ये नहीं कर सकती, शादी नहीं मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरे पापा ने मुझे इसीलिए पाला पोसा नहीं था कि एक दिन मैं खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।